गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट पीरियड में हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट सॉल्व किया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए देख लेते हैं फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है। मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉल ₹2000। सी आस्क द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट ओनली। और वो कैशियर से बोले कि भाई उसको केवल ₹50 के और ₹100 के नोट ही चाहिए हैं। मीना गॉट 25 नोट एट ऑल। तो मीना को सिर्फ 25 नोट्स ही मिलते हैं। फाइंड हाउ मैनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड ₹100 सी रिसीव। तो आपसे बोला जा रहा है कि भाई उसको कितने ₹50 के नोट मिले हैं और कितने ₹100 के नोट मिले हैं, आपको ये पता करना है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है सॉल्यूशन। लेट द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹50 इज इक्वल टू एक्स एंड द नंबर ऑफ नोट्स ऑफ ₹100 इज इक्वल टू वाई। तो भाई मैंने मान लिया कि उसको ₹50 के एक्स नोट मिले हैं और ₹100 के उसको वाई नोट्स मिले हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि भाई उसको टोटल नोट्स कितने मिले हैं, 25। और इन नोटों में केवल दो ही प्रकार के नोट्स हैं, एक तो ₹50 के और एक ₹100 के। हम लोगों ने ₹50 के x माना है और ₹100 के y, तो टोटल x प्लस y कितना हो जाएगा, 25। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बन गई, इसको मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दिया है। आगे का बोले हैं सेकंड कंडीशन में, टोटल रुपीस विड्रॉल वाई हर, और उसके द्वारा टोटल कितने रुपीस विड्रॉल किए गए, 2000। ये जो 2000 रुपीस हैं वो ₹50 के नोट से और ₹100 के नोट से मिलके बने हैं। तो मैंने वही लिख दिया है कि भाई ₹50 के कितने नोट्स हैं, इसमें x हैं, और ₹100 के कितने नोट्स हैं, इसमें y, और ये टोटल रुपीस कितने हैं, 2000। तो मैंने इसको 2000 के इक्वल कर दिया। ये मेरी दूसरी इक्वेशन बन गई। तो हम लोगों ने फाइनली दोनों लीनियर इक्वेशंस फॉर्म कर ली हैं दी गई गिवन कंडीशंस के अकॉर्डिंग। अब हम लोग इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से। तो एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है कि भाई अब दोनों इक्वेशंस में से किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को क्या कर लो, इक्वल कर लो। तो मैं दोनों इक्वेशंस में x के कोफिशिएंट को इक्वल कर लूँगा। तो अगर आप लोग देखो इक्वेशन 2 में x का कोफिशिएंट कितना है, 50 है, बट यहाँ पे x का कोफिशिएंट कितना है, 1 है। और अगर मैं इन दोनों में x के कोफिशिएंट को बराबर करना चाहता हूँ तो मुझे इक्वेशन 1 में 50 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैंने वही लिखा हुआ है, ऑन मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 50, यानी कि मैंने इक्वेशन 1 में 50 से मल्टीप्लाई कर दिया, वी गेट। तो हमको क्या मिला, तो भाई जब 50 में x का मल्टीप्लाई हुआ तो 50x, 50 में y का मल्टीप्लाई हुआ तो 50y, और 50 में 25 का मल्टीप्लाई हुआ तो 1250 हो गया। इसको मैंने इक्वेशन नंबर थर्ड डाल दिया। अब अगर आप लोग देखो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में दोनों में x के कोफिशिएंट कैसे हैं, इक्वल हैं। यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट 50 है और यहाँ पर भी x का कोफिशिएंट 50 है, और दोनों ही जगह पर x की वैल्यू कैसी है, पॉजिटिव है। तो अगर मैं x को एलिमिनेट करना चाहता हूँ इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 से, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो मैंने वही लिखा हुआ है, नाउ सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2, यानी कि मैंने इक्वेशन 3 को इक्वेशन 2 में से क्या कर दिया है, सब्सट्रैक्ट कर दिया है। तो वी गेट, हमें क्या मिला, तो सबसे पहले तो मैंने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 लिख दिया है, 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000, और इसमें से हम लोग किसको माइनस करें, इक्वेशन नंबर 3 को। तो ये वाली इक्वेशन 3 मैंने यहाँ पर दोबारा से लिख दी है, 50x प्लस 50y इज इक्वल टू 1250। अब आप लोग जानते हो कि भाई जब भी इक्वेशंस माइनस की जा रही हो या नंबर्स माइनस किए जा रहे हो तो आपके साइन कैसे हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो ये प्लस का 50x था, ये माइनस का हो गया, ये प्लस का 50y था तो ये माइनस का हो गया, और ये प्लस का था तो ये भी माइनस का हो गया। अब क्या हुआ कि भाई ये प्लस की 50x और ये माइनस की 50x आपके क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। अब हमें क्या मिला आगे कि भाई 100y में से जब आप 50y को माइनस करोगे तो आपका कितना बचेगा, 50y, और जब आप 2000 में से 1250 को माइनस करोगे तो आपको वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 750। तो हमको फाइनली क्या मिल गया, 50y इज इक्वल टू 750। अब हमें तो y की वैल्यू चाहिए, तो ये y के संग जो 50 मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है ये इक्वल की दूसरी साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो जब आप 750 को 50 से डिवाइड करोगे तो आपको y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 15 मिल जाएगी। अब y की इस वैल्यू को जो हम लोगों ने ऊपर 3 इक्वेशंस बनाई है, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1, इन तीनों में से किसी एक में मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। तो मैंने वही लिखा हुआ है, पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, यानी कि y इक्वल टू 15 हम लोगों ने इक्वेशन 1 में रखा है,
तो भाई पहले इक्वेशन बन के आया हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। तो आप लोग देख सकते हो x आपका ऐसे ही रहा, प्लस का y था, बट y की जगह पे मैंने कितना रख दिया है 15 और इज इक्वल टू 25 आपका ऐसे ही रहा। अब क्या हुआ, ये प्लस का 5 जब इक्वल के दूसरी साइड गया तो आपका कैसा हो गया, माइनस का। तो x इज इक्वल टू 25 माइनस 15। अब जब आप 25 में से 15 को माइनस करोगे तो आपको x की वैल्यू 10 मिल जाएगी। तो फाइनली हम लोगों ने x की वैल्यू और y की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। अब यहाँ से मैं क्या लिख दूंगा, हैंस मीना हैज़ 10 नोट्स ऑफ रुपीज़ 50 एंड 15 नोट्स ऑफ रुपीज़ 100। तो मीना के पास जो 50 रुपीज़ के नोट होंगे वो कितने होंगे, 10, और 100 रुपीज़ के जो नोट होंगे वो कितने होंगे, 15। क्योंकि हम लोगों ने यही ऊपर अज्यूम किया था कि भाई 50 रुपीज़ के नोट कितने एक्स है और 100 रुपीज़ के नोट कितने वाई है, तो मैंने वही चीज़ यहाँ पर लिख दी है। तो यही हम लोग को फाइंड आउट करना था। तो गाइज अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आप लोगों को मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।